सादर प्रणाम। कहा भाई सुरेश जी, कैसे हैं? आशीर्वाद है आपका। बताइए। मणिभावंती जी, ग्राम स्वराज अभियान हम मना रहे हैं समय है, अनेक योजनाओं की जानकारी इन अभियानों से होती है, लेकिन अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता जो है पर्याप्त रूप से नहीं है। हमें आप कुछ आदेश दें, हम लोग क्या करें इसमें कुछ। सुरेश जी, जी जब मैं छोटा था जी तो ज्यादा तो मालूम नहीं था, हिंदुस्तान के राज्यों के भी नाम पता नहीं था आपको। जी जी तो बस हमें, लेकिन उस जमाने में मैंने सीतापुर का नाम सुना था। सीतापुर का नाम इसलिए सुना था, और मैं मानता हूँ सही होगा मेरी जानकारी, कि हमारे यहाँ के इलाके में अगर किसी को मोती बिंदु का ऑपरेशन करना होता था तो सब लोग सीतापुर जाते थे। आजकल वो काम चल रहा है कि बंद हो गया? बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत चल रहा है। अभी भी लोग आते हैं बाहर से? बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं। हाँ, क्योंकि हम जब बहुत बालक थे तो हम सुनते थे कि भाई आँख में ऑपरेशन करवाने तो सीतापुर चले जाना, और शायद कोई बड़े डेडिकेटेड परिवार था डॉक्टर का। जी डॉक्टर मेरे साहब हैं, डॉक्टर मेरे साहब। हाँ बोले, बहुत उन्होंने सेवा भाव से काम किया था। चलिए सुरेश जी, आज सीतापुर से आप बात कर रहे हैं तो मेरे जी बचपन की याद आ गई है। आपकी बात सही है जी, हम लोगों को गांव से जुड़ना चाहिए। गांव के लोग बहुत पवित्र जीवन होता है, बहुत प्रामाणिक जीवन होता है, और हमारा देश गांवों का देश है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती है। हम सब एमएलए ने तय करना चाहिए कि मैं गांव के लिए कम से कम एक काम, मेरे क्षेत्र में अगर 100 गांव है तो 100 गांव, 200 गांव है तो 200 गांव, एक काम गांधी 150 के निमित्त में करके रहूंगा, चाहे स्वच्छता का करूं, चाहे कोई भी बच्चा स्कूल छोड़ के न चला जाए वो काम करूं, चाहे स्कूल में सफाई का काम करूं, लेकिन मैं एक काम तो करूंगा ही। आप देखिए गांव में एक नया विश्वास पैदा होगा। सरकार की इतनी योजनाएं हैं आजकल गांव के विकास के लिए, रुपये इतने आते हैं जी। आज गांव का चुनाव इतना कठिन क्यों हो गया? क्योंकि हर एक को मालूम है कि बहुत बड़ी मात्रा में धन सीधा आने लगा है। अगर हम अकाउंटेबिलिटी बनाएं, गांव के काम का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक कर दें कि भाई इस काम के लिए इतना पैसा, इस काम के लिए इतना पैसा, इस काम का इतना पैसा, तो लोग भी देखेंगे, अरे भाई कुएं का पैसा लिखा है, कुआं बना कि नहीं बना, रोड का पैसा लिखा है, रोड बना कि नहीं बना। जागरूकता आएगी, आप देखिए। दूसरा, ग्राम सभा रेगुलर करनी चाहिए, रेगुलर ग्राम सभा करनी चाहिए, गांव के लोगों को बिठाना चाहिए। और आप देखिए गांव में अपने जगह चुनाव होता है तो चुनाव पार्टी जो आती है, क्या कभी हमको उनको भूखा कभी देखा है? गांव वाले दौड़ पड़ते हैं, अरे भाई तो हमारे मेहमान हैं, चलो उनको खाना खिलाओ, चलो उनके रहने की व्यवस्था करो। सरकारी कोई अधिकारी भी आ गया गांव में, तुरंत पूरा गांव उनको प्यार से सेवा करता है। ये हमारे गांव की बहुत बड़ी ताकत है। हम उन लोगों से जुड़े, अब मुझे बताइए एलईडी बल्ब, क्या मैं गांव के अंदर हर घर में एलईडी बल्ब लगवा दूं, मेरे गांव के हर परिवार का अगर 200-250 रुपया बच जाता है तो वो हमें आशीर्वाद देगा कि नहीं देगा? अब हमें कौन रोकता है इस काम के लिए? उसी प्रकार से किसान को सोलार पंप, हम उससे बैंक के पैसे दिलवा दे करें सोलार पंप लगाएं और उसका बिजली का बिल चला जाए। आप मुझे बताइए, हमारा किसान, उसका अगर पैसा बच गया तो हमसे वो खुश होगा कि नहीं होगा? गांव के लोगों को, एक एक किसान यूरिया खरीदने जाएगा और जब यूरिया लेकर के घर आएगा तो उसको बेचारे को टेम्पो का खर्चा होगा या बैलगाड़ी का खर्चा होगा। लेकिन गांव वाले सब मिलकर के कहे कि हमारे गांव में टोटल 50 बोरी यूरिया की जरूरत है, एक साथ जाकर के अगर लेकर के आते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पैसा बचेगा कि नहीं? छोटी छोटी चीजें हैं जी। हम एक नेता है तो मतलब है कि हम गांव के जीवन में बदलाव लाए। अब इंश्योरेंस, अब 90 पैसे में इंश्योरेंस, क्या हम अपने क्षेत्र के सभी लोगों को इंश्योरेंस के लिए प्रेरित करें? और किसी भी गांव में किसी परिवार में मुसीबत आई और उस घर में 2 लाख रुपए आ गया तो पूरा गांव आपका जय जयकार करेगा कि नहीं करेगा? सब परिवार को 2 लाख रुपए मिले हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि किसी परिवार में मुसीबत आए, लेकिन किसी भी परिवार में मुसीबत आई और अगर 2 लाख रुपया पहुंच गया तो उसको पूरा गांव आपको आशीर्वाद देगा। ये काम है जो सरकार के सिर्फ लागू करवाने हैं। अगर इतना भी आपने कर लिया तो सुरेश जी मुझे विश्वास है कि
कि गांव के जीवन में जो हमें बदलाव लाना है वो बहुत बहुत तरीके से ला सकते हैं। और गांव में अपनापन होता है, गांव में सुख दुख के सब साथी होते हैं, अगर इसके साथ जुड़ गए तो आप जो चाहें वो परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो सुरेश जी मुझे अच्छा लगा, आज मुझे सीतापुर की पुरानी यादें ताजा हो गई जो सुना था।